नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए बख्तावरपुर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिल्ली के बख्तावरपुर की जामा मस्जिद में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान थे। इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कल्लू खान प्रधान, मेहरुद्दीन इदरीस सैफी मेंबर, मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सहयोग से किया गया। इन्होंने चेयरमैन जाकिर खान का फूलमालाओं से स्वागत करते हुए कार्यक्रम में आने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इदरीस सैफी ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज हमारे समाज के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है कि हम अपने अधिकारों के लिए कहां जा सकते हैं या किससे मदद ले सकते हैं। इसलिए हमने आज के कार्यक्रम में चेयरमैन जाकिर खान साहब को बुलाया है, जो आयोग के अंतर्गत हमारे अधिकारों के बारे में हमें जानकारी देंगे। इस पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बख्तावरपुर ऐसी है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत कम है, और ऐसे इलाकों में दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम लेकर जाएंगे और उनको इन योजनाओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा, यह वो इलाके हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित रहते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाया और भरोसा दिलाया कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग आपकी हर परेशानी में आपके साथ है। उन्होंने कहा कि आप जब चाहें मेरे ऑफिस आ सकते हो या मुझे बुला सकते हो। दिल्ली सरकार की कई सारी योजना अल्पसंख्यकों के लिए बनी है, उनको भी दिलवाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। स्थानीय लोगों से जाकिर खान ने मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना और उन परेशानियों को उनकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया।